Good morning, children. Yesterday we have done word meanings and back exercise of chapter number four. So first of all, we will revise word meanings again. So open your book on page number thirty-six. First word is expedition. एक्सपैडिशन मीन्स अ जर्नी अंडरटेकन विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट मीन्स कोई जर्नी जो किसी ऑब्जेक्टिव को एम को लेके की जाए उसको बोलते एक्सपैडिशन जैसे इस चैप्टर में ग्रैंडफादर गए थे फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए दैट इज कॉल्ड एक्सपैडिशन सेकेंड इज परसुडेड परसुएड करना होता है किसी को मनाना कन्विंस करना परसुएड इज इन सेकेंड फॉर्म सो वी विल राइट इट्स मीनिंग इन सेकेंड फॉर्म ऑल्सो कन्विंस्ड परसुएड कन्विंस परसुएड मीन्स कन्विंस्ड नेक्स्ट इज़ अ कंपनी इट मीन्स टू गो विद एज अ कंपेनियन कंपेनियन क्या होता है कंपेनियन मीन्स कंपेनियन होता है जैसे साथी फ्रेंड टू गो विध एज अ कंपेनियन कैसे जाना जैसे किसी के साथ उसका साथी बन के जाना उसको कंपनी देने के लिए नेक्स्ट सम ट्यूएस इट मीन्स ग्रेट जब कैंप की बात की थी ग्रैंडफादर ने कि के कैंप वॉस सम्यूअस मीन्स कैम्प क्या था ग्रेट था नेक्स्ट इज एंटायरली एंटायर मींस कम्प्लीट पूरा और एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली नेक्स्ट इज रीट्रीट रीट्रीट होता है पीछे जाना गोइंग बैकवर्ड नेक्स्ट इज रिडिकुलसली मीन्स लाफेबल जिसको सुनकर हंसी निकले ऐसा कुछ हँसी वाली बात या किसी की ऐसी अपीयरेंस जिसको देख के हमें हंसी आए लाफेबल नेक्स्ट इज क्राफ्टी लुक डिसेप्टिव मीन्स क्राफ्टी लुक या डिसेप्टिव या डेवियस लुक मीन्स ऐसी लुक जो धोखा दे धोखा देने वाली लुक नेक्स्ट इज़ नॉर्लिंग मीन्स टू ग्राउल थ्रेटनिंगली बहुत ज़्यादा गरज से आवाज़ निकालनी गर्जना जैसे टाइगर लाइन उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है गुराने वाली ग्राउल थ्रेटनिंगली प्रोफेक्टिक प्रोफेक्टिक होता है प्रेडिक्टिंग जैसे कि हम किसी आने वाले टाइम को प्रडिक्ट करते हैं जैसे कि कल रेन होगी ये प्रडिक्शन होती है फॉरेस्ट वेदर कास्टिंग ये फॉरेस्ट ये वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको कि कल बारिश होगी या नहीं ये प्रडिक्शन होती है एक तरह की फ्रेंजाइड होता है वायलेंट और wild, जंगली नेक्स्ट है विलेनियस इंटेंट villain तो आपको पता है जैसे मूवीज़ में विलन होते हैं एक हीरो होता है एक विलन होता है तो विलन विलन की जो इमेज है वो नेगेटिव शो करते हैं कि जैसे वो जो बैड डीड्स करता है अच्छे काम नहीं करता वो विलन होता है मूवीज़ में तो उसको बोलते हैं विग्ड इंटेंशन बुरी भावनाओं वाला रैलिशनेस होता है लाइकिंग और फॉन्डनेस फॉर लाइकिंग मीन्स किसी चीज़ को पसंद करना कोई चीज़ किसी चीज़ का शौकीन होना वो रैलिशनेस है स्कॉनफुल है फुल ऑफ़ डिसरिस्पेक्ट के किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी किसी का आदर नहीं करना सम्मान नहीं करना उस चीज़ से भरा होना फुल ऑफ़ डिसरिस्पेक्ट right and i already have explained some extra word meanings to you yesterday so so learn these word meanings properly now we will do d part on page number 39 first of all write down date and day on part number d like day date is day to day's twenty nine and day is day to day's Wednesday. D part is fun with vocabulary. First is contracted forms of words are given which form is given contracted form do you know the meaning of contracted form we already have done its meaning in third class also in our workbook contracted forms give full forms of the following नाउ लिसन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म्स की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म्स क्या होती हैं कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म्स आर शॉर्ट वर्ड्स दीज आर शॉर्ट वर्ड्स मेड बाई पुटिंग टू वर्ड्स टूगेदर जब हम दो वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं राइट एंड वी एड एन अ पॉस्ट्रॉफी बिटवीन दीज टू वर्ड्स जब हम टू वर्ड्स को कम्बाइन करते हैं कैसे अब के साथ और उसकी शॉर्ट फॉर्म में उसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर कॉन्ट्रेक्टेड वर्ड्स आर शॉर्ट वर्ड्स मेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर मेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर दो वर्ड्स को हम इकट्ठा ही लिखते हैं बाई यूजिंग अ पोस्ट्रॉफी राइट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें लोअर अपॉस्ट्रॉफी ये अपॉस्ट्रॉफी है जो मैं बोल रही हूँ अपॉस्ट्रॉफी मीन्स ये कॉमा होता है लोअर्ड आए के साथ फिर कॉमे डबल एल ये कम, टू वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है दे के साथ फिर डबल एल या बीच में कॉमे है जिसको पोस्ट्रॉफी बोलते हैं वॉक अप्रॉफी डी वुडन अप्रॉफी टी हैव यू रिमेंबर दिस जो हमने थर्ड क्लास में किया था ये कि उसको प्लस की फॉर्म में हम लिखते थे नेक्स्ट इज ओ अप्रॉफी ई आर ऐसे ऑल दीज वर्ड्स आर इन शॉर्ट फॉर्म एंड हैविंग अ सभी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं और इनके साथ अप्रॉफी भी है लेकिन थर्ड क्लास में हम कैसे लिखते थे प्लस की फॉर्म में जैसे आए आए के साथ डबल एल है तो हम थर्ड क्लास में कर से आई प्लस विल और शेल राइट नाउ वी विल कन्वर्ट दी शॉर्ट फॉर्म्स इन टू फुल फॉर्म्स सो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट दीज आर कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म एंड वी विल राइट शॉर्ट फॉर्म्स हेयर फर्स्ट इज अर्ड फर्स्ट इज अ लॉर्ड

दे नेक्स्ट वर्ड डी इज वॉक्ड डब्ल्यू ए एल के ई डी वॉक्ड नेक्स्ट ई पार्ट इज वुडंट मीन्स वुड नॉट नेक्स्ट इज ओवर ओ वी ई आर ओवर जी इज शुड के साथ वी शुड हैव S-H-O-U-L-D should plus have. Next is theirs means there and is, there is. Next is it is, it's means it is. Last is wheeled, W-H-E, W-H-E-L-E-D, -l -e wheeled, right?